नमस्कार, एमपी लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश, और खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की चीन के औद्योगिक शहर शेंजेन में 15 प्रमुख कंपनियों से चर्चा, 26 जून को आएंगे भोपाल। केंद्रीय सामाजिक अधिकारिता मंत्री थावर चंद्र गहलोत और सामाजिक न्याय मंत्री गोपाल भार्गव राष्ट्रीय न्यास की कार्यशाला में हुए शामिल। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने सामाजिक अधिकारिता शिविर को किया संबोधित। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगले 3 साल में क्षेत्र की स्थापित क्षमता 5 गुना तक बढ़ जाएगी। अभी उत्पादन क्षमता 2567 मेगावाट है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चीन के औद्योगिक शहर शेंजेन में आज विशेष रूप से आयोजित बिजनेस सेमिनार में प्रमुख कंपनियों और औद्योगिक निर्माण समूहों को संबोधित करते हुए बताया कि एशिया का सबसे बड़ा 135 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट नीमच में संचालित है। विश्व का सबसे बड़ा 750 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट भी प्रदेश के रीवा में लग रहा है। मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम के संचालक मंडल की बैठक अध्यक्ष शिव चौबे की अध्यक्षता में हुई। बैठक में भोपाल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्थापना के लिए भारत सरकार को सहयोग राशि 9 करोड़ 60 लाख की बैंक गारंटी देने की स्वीकृति दी गई। निगम में आउटसोर्सिंग के आधार पर एमपी कॉन लिमिटेड भोपाल से आवश्यकता अनुसार कार्मिकों की सेवाएं लेने के लिए प्रबंध संचालक को अधिकृत किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर नवंबर में नर्मदा संरक्षण अभियान के तहत नर्मदा तट पर यात्रा होगी। यात्रा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करने राज्य शासन ने प्रशासकीय समिति का गठन कर दिया है। अपर मुख्य सचिव वन और योजना आर्थिक सांख्यिकी को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने आज अपना जन्मदिन किशोर बालिका गृह नेहरू नगर और स्कूलों में पाठ्य सामग्री वितरित कर मनाया। उनके निवास कार्यालय में रक्तदान शिविर भी लगाया गया था। महिला बाल विकास मंत्री माया सिंह ने कहा है कि हर संभाग में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शौर्य दल को सम्मानित किया जाएगा। उन्हें पुरस्कार स्वरूप 11,000 रुपए दिए जाएंगे। ये सम्मान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हर वर्ष दिया जाएगा। माया सिंह ने आज रानी दुर्गावती बलिदान दिवस पर शौर्य दल के राज्य स्तरीय सम्मेलन को संबोधित किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ईएमएस टीवी की सारी खबरें हमारी वेबसाइट के साथ साथ अपने मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।